उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर डोईवाला में पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। पंचायत प्रतिनिधियों की मांग है कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें 2 वर्ष तक कोविड-19 जैसी महामारी से गुजरना पड़ा। इस दौरान कोई भी पंचायत बैठकों का आयोजन नहीं हो सका, जिसकी वजह से विकास कार्यों पर भी विराम लगा। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों के सामने कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें वह पूरा नहीं करा पाए। साथ ही उत्तराखंड के 12 जिलों में एक साथ चुनाव संपन्न किए जाते हैं, जबकि हरिद्वार जिले में अलग से चुनाव कराए जाते हैं। ऐसे में अब एक राज्य एक चुनाव की मांग के साथ पंचायत प्रतिनिधि अपने कार्यकाल को 2 वर्ष और बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। डोईवाला से संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट। पूरे त्रिस्तरीय पंचायत उत्तराखंड सरकार की जो मांगे हैं हमारी, यह है कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि 2 साल कोविड में जो हमारा समय बर्बाद हुआ था, उस समय हमारी कोई भी ग्रांट हमें वित्तीय मंजूरी नहीं मिली थी, हमें ना पैसा आया था हमारे पंचायतों को, तो हमारा 1.5 साल 2 साल जो हमारा जो ग्रांट आनी थी वो भी नहीं आई थी, ना वो ग्रांट हमें 22-23 में मिली थी। तो उस समय सभी लोगों ने, सभी प्रधान संगठनों ने, सभी क्षेत्र पंचायतों ने, सभी जिला पंचायतों ने अपने अपने पंचायतों में बहुत बढ़ चढ़ कर कोविड में काम किया था और निःशुल्क काम किया था, जो कि हमारे पे कोई सुविधा नहीं थी, सरकार के द्वारा कोई पैसा नहीं मिला था, उसके बावजूद भी सब ने बढ़ चढ़ के काम किया। कोविड काल में 2 वर्ष पूरे जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में, अपने अपने पंचायतों में जिस प्रकार का काम किया है, आज गर्व से हम कह सकते हैं कि हमने अपने पंचायतों में जो बाहर से लोग आए उनको रखने की व्यवस्था हो, या उनके भोजन की व्यवस्था हो, या उनके परिवार की रेख देख की व्यवस्था हो, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने उस पर पूरा काम किया और सबके सहयोग के साथ आज पूरे क्षेत्र में उस कार्य को उन्होंने 2 वर्ष तक किया। हम उसी 2 वर्ष की मांग कर रहे हैं कि 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा और बढ़ाया जाए, ताकि जो परेशानियाँ जो हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा जितनी भी परेशानियाँ उस दौरान उन्होंने झेली है, आने वाले समय में विकास कार्यों पर वो 2 वर्ष लगाए।